अब तो गाड़ी तो एक तरफ तो हाइट ही है, वो ऐसा हाइट ही तो क्या होता। वो तो कल मारने को दाल लगाया था पंचर, अभी दो दिन में डेली एक पंचर ही तो अभी जेरे दिन तक नवा टायर चाह था, अभी टायर भी खा लेते। तो इसका से क्या करते कहते नवे टायर डाल दे भाई, डेली एक पंचर डाले से तो कहाँ होता है। हमारे तरफ एक पंचर आ जाए कुछ 100 रुपये है, 100 रुपये तो कल दाल लगाया मैं 100 रुपये से। एंड तुम्हारे तरफ क्या कहता रेट है कहना कमेंट में लिखो। गुड मॉर्निंग ब्रो, वेलकम बैक अनदर माय न्यू वीडियो। सो प्रेजेंट टाइम बज रहे मॉर्निंग 6:30 हो रहा है। एंड अब तो कल का वीडियो देख रहे थे तुम्हें ट्रैक्टर का नहीं चेंज किया था, सो आज का वीडियो भी डायरेक्ट ट्रैक्टर का नहीं स्टार्ट हो रहा है। सो अभी जस्ट ट्रैक्टर ले खेत में काम करने का से तो जाता था, सो अभी गया नहीं है, जाना को तो तुम्हें तो आए। एंड लास्ट वीडियो में मैं भी तुमने बोला था हमारे ट्रैक्टर का फ्रंट व्हील जरा प्रॉब्लम है तो बोला था। एंड वीडियो देखने से नहीं सुना जाके देखो, ये वीडियो कैंड स्क्रीन में देता। चलो ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कौन से चैनल पर नहीं है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। चलो तुम्हें क्या सीन है कहने का मैं तुम्हें बताता हूँ। कल जो मॉर्निंग काम जाते उस टाइम पे चाको गाड़ी का पंचर डाला ले गया था। आज भी देखो क्या ही है, तो आज भी फिर पंचर पड़ी है, दो दिन में दो पंचर पड़े तो इनके साथ आज भी पंचर डाले तो समय तक रहता कहने का गारंटी नहीं है। इसका से क्या करते हो तो अभी जरा देर में न्यू टायर्स डालते हैं। अभी टाइम बज रहे मॉर्निंग 6:30 शाम बजने का थे, सो अभी 10 बजे तक तो शॉप ओपन होते, जल्दी जाको अभी न्यू टायर्स तो मन लगेंगे। ऐसे ऐसे तो काम चलते नहीं भाई, चलता कले क्योंकि मैं कल पंचर डाला था। एंड आज भी डाले तो क्या बोलते पंचर डाला लगाए तो शाम तक काम करता, उसके बाद नए काम करते। कहीं कहीं तो धूपन ज़्यादा है, रोड के ऊपर आते तो बहुत ज़्यादा हीट होते, खेत में भी ज़्यादा हीट होते टायर, इसका से अभी नाइट खेलते पंचर वहाँ के रिबटन टायर है तो इसका से जल्दी ना जाते हैं, कैसे उखड़ गया देखो। मैं तो ट्रैक्टर का काम जाने का से आया था, फिर अभी वो पंचर पड़े इससे कैंसिल किया, कैंसिल को तो कैंसिल नहीं होता। एंड देखो 10 बजे वो टाइम में जाता हूँ मैं, क्या करना है देखो। अब ये टायर के ऊपर ज़्यादा वेट पड़े नहीं सर का, इंजन का वेट पड़े नहीं सर का, अब तो इंजन का वेट है इसके ऊपर। सो उधर को ऐसा सेम गैप रहता है, उधर को भी सेम रहता है, उधर के ऐसे एक जगह एक राड सर का रखा तो क्या होता होता है, ये टायर ऑटोमेटिक ऊपर उड़ता है। एंड वो कैसे करते कहना का भी मैं बताता हूँ। देखो इधर साइड भी गैप है तो ये गैप में एक क्या बोलते हैं आयरन रखना मोटा लहुआ सर का रखे तो क्या होता होता है, उधर का टायर ऊपर उड़ता है। चलो ये वीडियो में तुमने दिखाता हूँ वो कैसे रखते क्या है कहने का। सो पहले हमें ये पंचर पड़े से टायर लग जा कर हाइट के ऊपर रख लेना, वो क्या बोलते हैं गोबरी का घूर दिख रहा है उसके ऊपर लेके जाके ठहर करता हूँ ये इधर का पंचर पड़े से व्हील। तो एक्सप्लेन करने से बेहतर बताए तो अच्छा रहता है। चलो मैं तुमने बताता हूँ वो क्या कैसे करते कहने का। अब तो गाड़ी तो एक तरफ तो हाइट ही है, वो ऐसा हाइट ही तो क्या होता है, तो वैसा हाइट ही तो इधर गैप आता है, इधर गैप आया इस टाइम पे अभी ऐसे का मोटर हवा लेकर इसमें बीच में रखना ही रहता है, ऐसा बीच में कई का से रखता हूँ को तो तुमने गाड़ी एक भर ऐसा क्या बोलते है ये ट्रैक्टर पीछे गए तो मालूम होता है क्या माना होता कहते। देखो इधर हाइट कर को उधर के एक राड रखें तो राड रखे तो क्या होता कहते वेट सब भी इधर पड़ता है, उधर का टायर अभी ऊपर उड़ता है, बताता हूँ तुम्हें वीडियो में। तो वीडियो में तुम्हें भी देख रहे थे, अब बताता हूँ तो ना मैं वैसा रखने से क्या फ़ायदा है कहने का। तो इधर दिख रहा है टायर तो ये फ्रंट व्हील देखो हवे में है, ये जमीन के ऊपर तो नहीं है कहीं का से तो उधर बीच में वीडियो में तुम्हें भी देख रहे थे उधर साइड तो एक राड रखा था मैं, ये टायर हवे में है जैसे देखो उधर का टायर तो वेट पड़े बताता हूँ तुम्हें चल रहे भाई। देखो इधर का टायर ज़्यादा वेट पड़ता है कई कैसे तो ये सब भी इधर को वजन डालता है, ये फ्रेजर सब भी इसके ऊपर पड़ता है इसका से अभी इधर को जरा वो भी कम है सर का दिख रहा वीडियो में। चलो कल काम कर का को ये छे अभी अब जाने के क्या अब काम तो जाने का था होंगे वो काम गए नहीं है अभी कैंसिल है वो। चलो फिर तो 11-12 बजे वो टाइम में जाता हूँ काम को। तो हमारे ट्रैक्टर को सामने टायर से आ जाकर कब डाले को तो आज से 1.5 साल पहले डाल रहे थे, आई मीन वो टाइम में क्या तो डायरेक्ट नवे टायर नहीं डाले थे रिबटन टायर डाले थे, इसका से जल्दी ना 1.5 साल में घड़ी है ऑलमोस्ट। उस सामने टायर तो ज़्यादा नहीं घट जाते भाई, घड़ियाँ तो 2 साल ज़्यादा चाहते रहते उसका लाइफ टाइम तो। एंड कई का से ये है को तो वो रिबटन टायर है उससे जरा ज़्यादा पुनः को तार रोड के ऊपर गए तो ज़्यादा उखाड़ लेके जाता है अभी टायर तो। देखो क्या वाला घड़ी है भरो पंचर पड़ी है, कल दलाल का आया था मैं पंचर टायर गया चंदे आज दलाते नौ टायर दलाते आता जाएंगे टायर लाने
ये काट नहीं चंद है, ये क्या बोल दे ये गैप है, तो ये गैप में फतरे जाको वो चुभ लेता है, वैसे चुभले को है फुले वो क्या बोलते हैं पंचर पड़ रहे, कल दला लगा है पंचर पूरा भी वैसे से क्या जान एक पंचर का तक लेता है 100 रुपये का ली। कल मारने को दाल लगाया था पंचर, अभी 2 दिन में डेली एक पंचर ही तो अभी जेरे दिन तक नवा टायर चाहता है, टायर भी खा लेते सो इसका से क्या करते कहते हो नवे टायर डालते भाई, डेली एक पंचर डालने से तो कहाँ होता है, हमारे तरफ एक पंचर आ जाए 100 रुपये है, 100 रुपये तो कल दाल लगाया मैं 100 रुपये से, अंडे तुम्हारे तरफ क्या क्या रेट है ना कमेंट में लिखो। Two hours later. So guys, देखो ये वीडियो मैं 2 घंटे के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये 2 घंटे के आप में क्या करे होएगा तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सो वीडियो के स्टार्टिंग में भी तुम्हें भी देख रहे थे हमारा का क्या बोलते हमारा ट्रैक्टर का टायर तो फिर पंचर पड़ा था, कल भी पड़ा था आज भी पड़ा था, सो वो डेली पड़े तो अच्छा नहीं रहता, अभी ये 2 घंटे के बीच में मैं तो जाकर ट्रैक्टर का टायर तो चेंज कर लगा एंड अभी बताता हूँ। एंड वीडियोस में नहीं बताता बिकॉज मेरा मोबाइल में चार्जिंग हो गया था, इसका से घर में चार्ज रख गया था अभी चेंज करने का, तो चलो जल्दी ना देखेंगे वो टायर उसका कास्ट कितना पड़े क्या नहीं करने का, मैं तुमने सभी बताता हूँ। फाइनली गाइस न्यू टायर्स तो देख लो, ये है न्यू टायर आज चेंज करे है, मॉर्निंग वीडियो में तो बताया था भाई आज पक्का टायर चेंज करना है, सो सडनली क्या नहीं बल्कि MRF का कंपनी चाहिए, अभी कभी तो चेंज करें नहीं MRF कंपनी के चेंज करते, सो मॉर्निंग पंचर पड़े तो इधर का टायर नहीं उधर का टायर, ये देखो ये है पुराना का टायर तो ये अभी चेंज करने आया है, ये चेंज कर लगा ये तो क्या काम का आता नहीं अभी छोड़ दो उसे, यहाँ है देखो लुक एट दिस न्यू टायर ब्रो, इसका कास्ट आ जाएगा कम से कम 10,000 ज़्यादा ठहता है, ऑलमोस्ट 10,000 दो टायर मिल को, चलो अब क्या प्रॉब्लम नहीं रहता है अभी कांतो रोड पर ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव गए तो भी अभी लॉन्ग ड्राइव को तो लोड डाल ले गए तो भी क्या प्रॉब्लम नहीं रहता, कब तो हमने टायर सेफ्टी अच्छा रहता उसके बाद अभी गाड़ी भी अच्छा चलती है। देखो इतना डेंजर रख लिया कोई, एक दिन मैं तो लोड डाल लग गया था कम से कम 50 किलोमीटर तक दूर प्याज का लोड डाल लेते गया था, वो टायर से गया था भाई कब कहाँ हीट होकर फुड़ी है तो ये ना अभी क्या क्या कर नहीं सकते रोड के बीच में, चलो अभी वो रिस्क नहीं ली सर का अभी आज जाको तो टायर चेंज कर लगा है। देखो आज डेट है 19 मार्च 2024 है, ये डेट कह कैसे बोल रहा हूँ तो मैं सो आज टायर चेंज करे है, तो टायर चेंज करे से डेट है, इससे पहले रिबटन चेंज करे थे, रिबटन के टायर आ जाओ कम से कम 1.5 साल आए थे, अब क्या बोलते हैं नवे टायर है तो ऑलमोस्ट 2 साल ज़्यादा अचानक है, लाइफ टाइम जरा बल्लग रहता है इसका क्या बोलते हैं न्यू टायर्स का, रिबटन टायर तो जरा जल्दी ना घट जाते, चलो एंड थंबनेल में भी लगाता हूँ मैं इसका डेट सो भी कहीं लगाता हूँ तो देखो वो उसका लाइफ टाइम कितने दिन आता है क्या नहीं कहने का मुझे भी जरा क्लैरिटी, घर भी ये कंपनी यूज़ करते देखो सामने व्हील्स 10,000 पीछे के 40,000 टोटल 50,000 के जस्ट टायरेंच है, इसका से जरा केयरिंग भी लेना पड़ता है, ना कि डाउट आता रहता भाई ज़्यादा काम चले तो भी टायरन ज़्यादा घट जाते हो, तो ये डाउट भी करेक्ट है भाई क्या देखो कितना तो काम चलेंगे भाई टायरन तो कम से कम 1.5 साल 2 साल का तो लाइफ टाइम रहता वो भी न्यू टायर्स तो सो इसका से कितना भी काम चलेंगे आई मीन न्यू टायर्स का जाकर 2 साल का लाइफ टाइम रहता आई मीन मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ 2 साल तो पक्का रहना भाई, मैं कहे 10,000 रखो 2 साल भी आए नहीं कहे वो टायर का वैल्यू क्या रहता है, इसका से तुम्हारा डाउट भी करेक्ट है मेरा एक्सप्लेन करना भी करेक्ट है, चलो वो डाउट छोड़ो अभी देखो ये टायर्स कितने दिन आते कहने का मैं देखता हूँ, ये एंडिंग स्टेज आते तो ये टायर का वो टाइम में बताता हूँ ये डेट से वो डेट तक कितना टाइम पकड़े कितने साल पकड़े कहने का।